हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमाल्स किचन। आज हम अपने किचन में एक बहुत ही सिंपल डिश और बहुत टेस्टी डिश बनाने जा रहे हैं। ये है चने की दाल का पुलाव। ये बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए देखिए, मैंने आधा कटोरी चने की दाल भिगा दी थी और अपने दो कटोरी चावल, मैंने लंबे वाले गैलेक्सी चावल, जो भी आपके पास रोज़ डेली खाने वाले चावल वो आप भिगा दीजिए आधे घंटे पहले। सबसे पहले एक पॉट चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। अब मैंने थोड़ा थोड़ा सा गरम मसाला यानी आधा चम्मच जीरा, 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 10-5 लौंग और छोटी काली मिर्ची, ये डाल देंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको भी चॉप कर लिया था हमने पतला पतला, इसको भी डाल देंगे। ये गर्मियों के टाइम पे आप दोपहर के टाइम खाइए, मज़ा आ जाएगा खा के। इतनी टेस्टी बनता है ये चने की दाल का पुलाव। प्याज को थोड़ा सा हमें गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए, इसको चलाते रहेंगे, एकदम ना बहुत डार्क करनी है ना ही हमें कच्ची रखनी है प्याज को। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मसाले में अच्छे से भून लेंगे। चने की दाल का पुलाव बहुत टेस्टी बनता है, बहुत हल्का रहता है खाने में। 6 से 7 हरी मिर्ची, ये भी हमने पतली पतली चॉप कर ली थी, इसको भी डाल देंगे साथ में। मसाले को मीडियम आंच पर भूनेंगे, थोड़ा सा अदरक लहसुन हमें भूनना है। अब मैंने एक प्याज का छोटी प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उसमें 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया पीस के इसका पेस्ट बना लिया था, वो डालेंगे 2 चम्मच भर के, वो डालेंगे। इसको भी मसाले में भून लेंगे। ये देखिए हमारी दाल, चने की दाल, आधा घंटे पहले मैंने भिगा दी थी, अब इसको हम इस मसाले में अच्छे से भून लेंगे। पहले हमने चने की दाल डालनी है मसाले में। अब मीडियम आंच पे कम से कम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक थोड़ी हमारी चने की दाल अच्छे से गल जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, पानी भी सूख गया है इसका, चने की दाल अच्छे से इसमें हाफ गल गई है, ये समझ लीजिए। अब डाल देंगे इसमें चावल भीगे हुए, जो आपके डेली यूज़ वाले चावल, या तो आप लंबे वाले भी ले सकते हैं या डेली यूज़ जो भी खाते हैं वो चावल, वो डाल दिया हमने। 2 कटोरी चावल दिए। अब इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। इसको सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम तेज़ कर देंगे। सभी को मिक्स करके इसका ढक्कन ढक देंगे। अब मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बीच में इसको हमने दम पे रखना है, इसका पानी जैसे सूखेगा। बीच बीच में देखते रहना है, इसमें देखिए उबाला आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये एक नए तरीके का पुलाव, एक बार आप इसको बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बच्चों को घर में सभी को पसंद आएगा, बहुत हल्का रहता है ये। इसको चलाएंगे, पानी देखिए कम होना शुरू हो गया है, इसको फिर ढक देंगे और बीच में हमने हल्के हाथ से चलाना है क्योंकि चावल टूट जाएंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है इसको, देखिए पानी सूखना शुरू हो गया है इसका। जैसे ही इसका पानी कम होगा, हमने इसको मीडियम आंच करके दम पे रख देना है 5 मिनट के लिए। देखिए ये खिले खिला एकदम चने की दाल का पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब इसके साथ एक बनाएंगे दही की चटनी, वो इतनी टेस्टी बनती है, मैं आपको बताती हूँ। एक चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें 1/2 चम्मच सरसों का तेल और 2 लाल मिर्चें साबुत, उसको तोड़ के हमने तड़का लगाना है। इसमें डालेंगे हम 3-4 कड़ी पत्ते, 1 छोटी मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डालेंगे। इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। ये एक नए तरीके की चटनी है, इसको चने की दाल के पुलाव के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। 1 चुटकी डालेंगे हल्दी पाउडर, सभी को मिक्स कर देंगे। आँच को थोड़ा सा हमने मीडियम रखना है। अब 1 कटोरी दही मैंने निकाल के रखा था, अब गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसमें ये दही डाल देंगे। ये देखिए 1 कटोरी दही, जितनी आपको बनानी है क्वांटिटी आप उतना डाल सकते हैं। हम इसमें 1 प्याला दही डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप गैस खुली रहेगी तो दही फट जाएगा, इसलिए गैस का फ्लेम बंद करके दही डालना है। नमक, थोड़ा नमक डालना है बिल्कुल, क्योंकि दही ऑलरेडी खट्टा होता है। दही डाल के इसको मिक्स कर देना है। बस ये हमारी दही की चटनी तैयार है। आप इसको चने की दाल की पुलाव के साथ सर्व कीजिए, आपको खा कर एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिए हमारे चने की दाल पुलाव भी तैयार है, कितना खिला खिला और अच्छा चावल बना है, देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आइए इसको सर्व करते हैं। चने की दाल का पुलाव बिल्कुल तैयार है, आप अपनी फैमिली के साथ दही की चटनी और चने की दाल का पुलाव, गर्मियों में इसको आप खाइए और मुझे लिख के ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आगे नई रेसिपी बताऊँगी, जब तक के लिए थैंक यू।